पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल यादव का नंबर। जी हां, पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव पर जमकर बरसी अक्षरा। अक्षरा सिंह से जब ये पूछा गया कि क्या आपने बिहार पीड़ितों की मदद की, तब खेसारी लाल यादव का नाम लिए बगैर अक्षरा सिंह ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि हाँ, उन्होंने मदद तो की, जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने की, पर किसी और की तरह नहीं कि वो मदद भी करें और लोगों को जताते भी रहे कि वो मदद कर रही हैं। उनसे जितना बन पड़ता है या उनके पास जितना है वो उतने में मदद करके शांति रूप से मदद करती हैं। ये नहीं कि लोगों को ये बार बार जताए कि उन्होंने मदद की और उन्हें ये अच्छा भी नहीं लगता कि मदद करने के बाद लोगों को जताया जाए कि उन्होंने किस तरह की मदद की है। भाई, ये तो अच्छी बात है अक्षरा सिंह की कि वो लोगों की मदद करती हैं। लेकिन यहाँ खेसारी लाल यादव की भी क्या गलती है अक्षरा जी? अब आप ही सोचिए, हर एक बड़ी कंट्रोवर्सी में वो वैसे ही घसीट लिए जाते हैं। अब अगर वो अपने द्वारा किए अच्छे कार्यों को गिनाएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे कि खेसारी लाल यादव कभी अच्छा काम भी करते हैं। ज्यादातर खेसारी लाल यादव निगेटिव कंट्रोवर्सी में ही रहते हैं। यहाँ आपको बता दें कि जैसे ही अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव के बारे में ये सब कहा, खेसारी लाल यादव के फैंस भड़क पड़े। अब खेसारी लाल यादव के फैंस भी अक्षरा सिंह को चुन चुन के निशाना बना रहे हैं, कुछ न कुछ टिक्का टिप्पणी अक्षरा सिंह पर किए ही जा रहे हैं। भाई, यूपी बिहार में एक कहावत है, अगर ओखली में सर डाल दिया है तो ये मत गिनो कि कितने मुंह सर पड़ रहे हैं। यानी कि जब आपने इस तरह का बड़ा पंगा ले लिया है तो अब अक्षरा सिंह ये मत गिने कि उन्हें कितने लोग टारगेट कर रहे हैं, वो तो उन्हें टारगेट का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन हम अक्षरा सिंह के लिए यही कहेंगे कि उन्होंने जो काम किया है वो काम करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।